दोस्तों, अगर आप भी अपनी YouTube वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे काइनमास्टर से अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। तो ये हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे देखने के बाद उसे भी देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप काइनमास्टर ओपन करते हो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये मेरी पुरानी वीडियोस है जिसे मैंने पहले एडिट किया हुआ है। आपको नई वीडियो एडिट करने के लिए सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। YouTube के लिए वीडियो एडिट करने के लिए 6:9 पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको नई वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ले ली है जिसे मैं आपको एडिट करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट को काटना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो उस वीडियो को प्ले कर लेना है और जिस भी पार्ट को आपको काटना है वहाँ पर आपको इस वीडियो को रोक देना है। रोकने के बाद आपको वीडियो पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड से काटना चाहते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रिम टू लेफ्ट का, जिसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो ये लेफ्ट साइड से सब कुछ हट जाएगा। काटने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप इसे राइट साइड से भी काटना चाहते हो तो राइट साइड से काटने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को प्ले कर लेना है और जहाँ से आपको काटना है वहाँ पर आपको इस वीडियो को रोक देना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को रोक दिया है, मैं सिंपली इस वीडियो पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर सीजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रिम टू राइट का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वीडियो तैयार हो चुकी है। अगर आप वीडियो के बीच में अगर कोई वीडियो लगाना चाहते हो या फिर कुछ भी फोटोज़ वगैरह लाना चाहते हो तो सिंपली आपको वीडियो को उस जगह पर आपको रोकना है जहाँ पर आप कुछ लगाना चाहते हो। सिंपली रोकने के बाद यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी फोटो को आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। सिंपली आपको एग्जांपल के लिए मैं कोई सी भी फोटो लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसे लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फोटो जो यहाँ पे आ चुकी है। और सपोज़ मानो आपको यहाँ से यहीं तक लगाना है इसे, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, आपको सीजर वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और ये फोटो जो है बस यहाँ से यहीं तक आएगी जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आप चाहो तो फोटोज़ की जगह वीडियोज़ भी लगा सकते हो या फिर आप कुछ यहाँ पे लिख भी सकते हो। लिखने के लिए सिंपली आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट का और यहाँ से अगर आप कुछ भी लिखते हो सिंपल आपको ओके कर देना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉन्ट का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट का कलर अगर आप देना चाहते हो तो सिंपली आपको फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चूज़ कर लेना है और जहाँ आप इसे सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। और ये टेक्स्ट हमें यहाँ से यहीं तक चाहिए तो सिंपली आप मैं आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा और ट्रिम टू राइट पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ से कट जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अगर आप कुछ कोई वीडियो लगाना चाहते हो या फिर आपको अपना आउटरो लगाना है तो सिंपल आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है जो भी वीडियो आप यहां पर लगाना चाहते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर मैंने अपनी आउटरो लगा दिया है और जैसे वीडियो के बाद जैसे ये ख़त्म होगा ये आपका आउटरो आ जाएगा। अगर आप अपनी वीडियो में लोगो वगैरह लगाना चाहते हो जिसके लिए आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ पे अपना लोगो ले लिया है और लेने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे आप सेट करना चाहते हो वहाँ पे सेट कर सकते हो। और लोगो का लेंथ हम रखेंगे पूरी वीडियो तक। जैसे आप वीडियो प्ले करते हो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप अपनी वीडियो में म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपको वीडियो का म्यूज़िक लगाना है। सिंपल से अगर आपको स्टार्टिंग से लगाना है तो आपको स्टार्टिंग में आ जाना है या फिर आपको बीच के किसी पार्ट पे लगाना है तो आपको उस पार्ट पे आ जाना है और वहाँ पे आपको आके वीडियो को रोक देना है। सिंपल से अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ से आपको वीडियो को रोक देना है और यहाँ पर सिंपली आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको जो भी म्यूज़िक हो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि ये म्यूज़िक अगर मेरे को यहाँ पर लगाना है तो सिंपल से इस म्यूज़िक पर क्लिक करूँगा और प्लस वाले आइकन पर जैसे कि मैं क्लिक करूँगा ये वीडियो यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप म्यूज़िक के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो सिंपली आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा स्पीकर वाला। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस कर लेना है जितना भी आप रखना चाहते हो।
करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका म्यूजिक जो है सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके वीडियो को साउंड को कम ज़्यादा करना है तो सिंपली आपको वीडियो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा स्पीकर वाला फिर से, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहते हो उसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको तेज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले 100 पे था, अब मैंने इसे 200 पे कर दिया है। और यहाँ से आपको ऑटो वॉल्यूम पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ से अगर आप ऑटो वॉल्यूम पे क्लिक नहीं करते हो तो ये तेज नहीं होगा। सिंपल से मैं यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम पे इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वीडियो एडिट होने के बाद सिंपल आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्वालिटी चेक कर लेनी है, जिस भी क्वालिटी में आपको वीडियो चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1440 पिक्सल मुझे चाहिए, तो सिंपल आपको मैं 1440 पे आपको इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए खत्म।